योग भगाए रोग। योग के नियमित अभ्यास से शरीर के किसी भी अंग को सही आकार दिया जा सकता है। जी हाँ, योग से रोग तो दूर होते ही हैं, साथ में शरीर के किसी भी अंग के रोग को दूर किया जा सकता है। अजय शर्मा ने बताया कि यौगिक आसनों में परिघासन एक ऐसा आसन है जिसके द्वारा कमर के दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है। कमर दर्द आज हर एक को परेशान कर रही है, लेकिन यदि इस आसन को लगाया जाए तो काफी हद तक इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। इस आसन को करने के लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं और एक हाथ को सिर के ऊपर ले जाकर तथा दूसरे हाथ को पिंडलियों तक ले जाएं, जिससे कमर में खिंचाव पड़ेगा और दर्द से राहत मिलेगी। इस आसन को कम से कम 5 बार जरूर करें। इस आसन को कोई भी कर सकता है और अपनी कमर को सही आकार दे सकता है। स्वस्थ व्यक्ति भी इस आसन का अभ्यास जरूर करें। नमस्कार, आज हम लगाएंगे परिव्याग आसन। और परिव्याग आसन एक बहुत अच्छा आसन है, कमर के लिए रामबाण इलाज है। और इस आसन को जब हम करते हैं तो हमारी कमर के ऊपर जो इतनी हमारी मांसपेशियां उनके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, तो और हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ निचले वाला जो पार्ट है उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आइए करते हैं परिव्याग आसन। तो कैसे करना है, सबसे पहले हम योगा मैट के ऊपर इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाएंगे। जैसे वज्रासन में हम बैठे, तत्पश्चात हम पूरे शरीर का वजन हम अपने घुटनों के ऊपर लेंगे इस तरीके से। घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाएंगे इस तरीके से, और जैसे ही हम घुटनों के बल इस तरह से खड़े होंगे तो सबसे पहले हम जो हमारा दहना टांग है, दहनी टांग है, उस दहनी टांग के पैर को हम इस तरीके से ऐसे रखेंगे। इस तरीके से रखा और फिर इसको थोड़ा सा ऐसे से फ्लाई किया धीरे धीरे इस तरीके से। फिर दोनों हाथों को कमर के ऊपर ऐसे रख लिया और फिर इसी टांग को आप इस तरफ को फ्लैट, ऐसे दाई तरफ को फ्लैट, इस तरह से हम इसको फैला देंगे बिल्कुल सीधे। यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, एक एंगल में होना चाहिए। और उसके पश्चात हाथों की स्थिति ऐसे, दूसरा हाथ हमारा ऊपर जाएगा और धीरे धीरे आगे झुकता जाएगा इस तरह से। और जो हमारा दहना हाथ है वो हमारी पिंडलियों के साथ ऐसे लगना चाहिए इस तरीके से। और ये पोजिशन हमारी इसमें बन जाएगी, इसमें 5 4 3 2 1। इसमें जो स्ट्रेस है वो हमारी इस भाग के ऊपर पड़ता है और फिर हम वापस ऐसे आ जाएंगे उसी स्थिति में, दोबारा से वज्रासन की स्थिति में। इसके पश्चात दूसरी तरफ से करेंगे। दूसरी तरफ से भी करने के लिए तरीका यही है कि आप सबसे पहले घुटनों के बल इस तरीके से खड़े हो जाएं और इसके पश्चात दोनों हाथ आपके कमर के ऊपर आ जाना चाहिए और जो आपका बायां पैर है वो इस तरह से बिल्कुल इस पोजिशन में रहना चाहिए। ये पार्ट आपका बिल्कुल सीधा रहना चाहिए इस तरह से। फिर इस पैर को आप अपने बाईं तरफ मोड़ेंगे इस तरीके से और बिल्कुल टांग ऐसे सीधी रखेंगे बिल्कुल। और टांग सीधी रखने के पश्चात हाथ आपका ऐसे घुटने के पास ऐसे रहना चाहिए। दूसरा हाथ हम इसको फोल्ड करेंगे और ऐसे फोल्ड करने के पश्चात ऊपर और फिर नीचे, और ये हाथ आपका नीचे चलता ऐसे जाएगा, यहां तक हम रुकेंगे। 5 4 3 2 1 इस तरीके से। फिर वापस और फिर अपनी पोजिशन पर हम ऐसे ले लेंगे। तो इस तरह से हम इस आसन को ऐसे कर सकते हैं। आइए इसको हम साइड को एंगल से लेते हैं। साइड एंगल से ऐसे लिया जा सकता है, इसको ऐसे लिया, फिर दोनों हाथ आपके इस तरह से आप घुटनों के बल ऐसे खड़े हो गए। एक आपने पांव आगे किया, हाथों को पोजिशन दोनों आपके कमर के ऊपर, फिर इस टांग को आपने अपने बाएं तरफ को खोल दिया, हाथ को दाहिने हाथ को बाएं ऊपर उठाया और इस हाथ को आप घुटनों के साथ लेंगे और नीचे तक इस तरह से और होल्ड करके रखा। ठहराव इसमें रहना चाहिए, इसमें 5 4 3 2 1 पूरा खिंचाव इसमें इस तरीके से रहेगा। यदि हम इस आसन को कम से कम 5 से 7 बार करते हैं तो इसका जो लाभ है वो हमें मिलता जाता है और हम इसका लाभ जो है वो तुरंत ले सकते हैं। तो आइए इस परिव्याग आसन को रोजाना अपने जीवन में अपनाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें।
सभी को मेरा नमन, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। पीएलटीवी के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।